नमस्ते, आप सब कैसे हैं? ऐसा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। माय नेम इज़ लोपा मुद्रा और आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। अगर दोस्तों आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी अपना नया नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट एक स्किन केयर का प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि आप सब स्किप कर सकते हैं चलेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को कभी भी नहीं स्किप करना चाहिए, जो कि है सनस्क्रीन। सो दोस्तों उस प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि सनस्क्रीन क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। हमें जो सूरज के ए एंड बी मिलता है, यूवीए एंड यूवीबी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे स्किन के लिए। यूवीए यानी कि अल्ट्रावायलेट रे ए, जो कि हमारे स्किन में अगर हम एक अच्छा सनस्क्रीन ना यूज़ करें तो हमारे स्किन में क्या करता है कि एजनिंग प्रोसेस को जल्दी जल्दी मतलब रैपिडली एजनिंग प्रोसेस ले आता है, हमारे स्किन में रिंकल आ जाते हैं, फाइन लाइन्स आ जाते हैं। तो हम अगर कंटिन्यूसली रेगुलरली इसको यूज़ करें एक अच्छा सनस्क्रीन तो इससे हम बच सकते हैं। एंड यूवीबी जो कि है बहुत ही डेंजरस होता है हमारे स्किन के लिए। यूवीबी क्या करते हैं हमारे स्किन में अगर हम अच्छा स्क्रीन सनस्क्रीन ना यूज़ करें तो कंटिन्यूसली हम सन के एक्सपोजर में आए तो क्या होता है कि स्किन बर्न हो सकता है और इससे हमारे स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इससे पता लगता है कि सनस्क्रीन हमारे स्किन केयर में कितना इम्पोर्टेंट है। सनस्क्रीन वैसे तो बाहर या अंदर अगर इंडोर में है रेगुलरली हमें यूज़ करना चाहिए। बाहर तो हमें हो गया है कि जो सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हैं, अंदर क्या होता है कि अभी क्या होता है कि एलईडी लाइट वगैरह आता है, एंड जो सुबह अंदर आता है जो लाइट यूवीए एंड यूवीबी, इससे भी हमारा स्किन डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि हम अंदर हो या बाहर हो, कोई भी महीना हो, सर्दी हो या गर्मी हो या बारिश, हमेशा हमें एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। तो मैं आज के वीडियो में आपके लिए यही प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि है सनस्क्रीन के बारे में। लेकिन ये एक क्रीम नहीं है, ये है पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म का ये एक अच्छा मतलब बेनिफिट होता है कि हम इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट को आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं कि इन एवरी 2 आवर्स हमें क्या करता है कि रीअप्लाई करना चाहिए सनस्क्रीन को जब भी हम आउटडोर में होते हैं। लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कैसे यूज़ करेंगे हम ऐसे फेस वॉश करके देन सनस्क्रीन अप्लाई करना। इसीलिए एक पाउडर फॉर्म में मिल जाए तो कितना आसानी होगा सोच सकते हैं। इसको आप कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतने टाइम से जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बात कर रही थी वो है ये केया सेट का अम्ब्रेला का सनस्क्रीन पाउडर है। इसका दो फॉर्म में आते हैं, एक SPF 25 एंड SPF 50। आप अगर बाहर में कंटिन्यूसली जा रहे हैं तो आप इसका SPF 50 यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर हम इंडोर में हैं तो आप SPF 25 का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो ये है केया सेट का अम्ब्रेला का SPF 25 एंड और एक है ये मेरे पास SPF 50। अगर मैं बाहर को जाती हूँ तो इसका प्रोडक्ट SPF 50 यूज़ करती हूँ, अगर इंडोर होती हूँ तो 25 यूज़ कर लेती हूँ। जैसे ये एक ऐसे ही बबल रैप में आया है दोनों, तो वैसे ही मैंने पहले इसका एक टब ख़त्म कर लिया है, उसके बाद आपके साथ ही इसका रिव्यू एंड डेमो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करना चाहती जो कि मैंने यूज़ नहीं किया है एंड वो मुझे अच्छा नहीं लगा है। वैसे इसमें एक सील दिया है, इसको निकाल लेते हैं, इसका मैं लिंक दे दूँगी, तो इसको खोल लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे येलो कलर का है, ये SPF 50 है, एंड इसका प्राइस वगैरह आपको बता लेती हूँ। इसका प्राइस है 270 रुपीज़, एंड ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2021 एंड एक्सपायरी 2 ईयर्स के लिए है, ये 23 तक चल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही बड़ा पैकेट है इसका, एंड इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इसको इसमें है सैंडलवुड ऑयल, लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, तो ये बहुत ही अच्छा है।
एंड इसको देख लेते हैं खोल के इसका प्रोडक्ट कैसा है। एंड इसको खोल लेते हैं, देख सकेंगे। इसको यूज़ करने के बाद आपको कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, तो ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई पॉप वगैरह या कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करने के लिए दिया है, आपको खुद ही इसको ख़रीदना पड़ेगा पॉप या ब्रश। तो इसका स्मेल तो बहुत ही अच्छा है, जैसे सैंडल की तरह, पूरा प्योर सैंडल की तरह। तो इतना क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा दिन के लिए ये चल जाएगा। आप इसको एक पर्स में ले सकते हैं, एक छोटा पैकेट में आपको ट्रांसफ़र कर ले, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हुआ ना, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ये है एक, तो आपको बहुत ही आसानी होगी सनस्क्रीन यूज़ करने के लिए। और SPF 25 को खोल के देख लेती हूँ। इसका ऐसे पॉलीथीन पैकेजिंग में है, इसका पॉलीथीन पैकेजिंग नहीं था लेकिन इसका है। इसका प्राइस है 199 रुपीस एंड ये है मैन्युफैक्चरिंग 21 एंड फेब्रुअरी 23 इसका सेल्फ लाइफ है, मतलब 2 ईयर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। ये SPF 25 है इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा कम है उससे। एंड इसमें UVB एंड UVA है एंड PA++ है, ये तो बहुत ही अच्छा है। एंड देख लेते हैं इसको भी खोल कर, तो ये ऐसा है, ये भी वैसा ही कलर का है, दोनों सेम कलर का है लेकिन इसमें SPF का डिफरेंस है। तो ये कुछ ऐसा पाउडर है, आप इसको ऐसे लेकर या पफ में लेकर ऐसे लेकर आप आसानी से इसको हाथ से या पफ से जिससे भी आप ऐसे ऐसे करके इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजीली, तो इसको यूज करने के बाद आपको भी कोई कॉम्पैक्ट पाउडर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और एक मतलब मैट लुक आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये कितना अच्छा एक फ्रेश लुक दे दिया, तो सोच सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। तो गाइज ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट की ज़रूरत हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसमें जाकर इसको ख़रीद सकते हैं। आपको रिकमेंड करूंगी आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो यस गाइज ये तो था इस प्रोडक्ट का रिव्यू एंड डेमो। अगर आपको आज का ये रिव्यू एंड डेमो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक रिव्यू के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड बाय।